कुर्ता पैजामा पहनावा काफी चलन में है। हर कोई कुर्ता पैजामा पहनना पसंद भी करता है, लेकिन कुर्ता पैजामा से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको हैरान भी कर देंगी, जहां डीएम साहब का रौद्र रूप देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। टीचर ने पहना कुर्ता पैजामा, डीएम ने काटा हंगामा, प्रिंसिपल को सस्पेंड और सैलरी कटौती के दिए आदेश। डीएम साहब का आदरणीय के खिलाफ ये कैसा पड़ता? कुर्ता पैजामा पहने एक ट्यूब और खिलाए डीएम साहब। गुस्से से आग बबूला ये लखीसराय के डीएम संजय सिंह हैं। इनके गुस्से का शिकार हुए हैं निर्भय कुमार सिंह, जो इसी विद्यालय में प्रिंसिपल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिंसिपल साहब ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो डीएम साहब ऐसा बौखला गए। दरअसल लखीसराय के डीएम संजय सिंह का सरकारी स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए निकले हुए थे। लखीसराय के एक स्कूल में प्रिंसिपल साहब कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, तो क्या डीएम साहब कुर्ता पैजामा पहने प्रिंसिपल साहब को देख आग बबूला हो उठे? आप शिक्षक है तो शिक्षक की तरह रखिएगा, अपने आप को इस वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। हम लोग आपको ये कह देंगे कि भाई इनको जनप्रतिनिधि बना दीजिए, आप जाकर के वोट मांगते रहिएगा लोग से, यहाँ शिक्षा करने का जरूरत नहीं है। इस तरीके से इतना ढीला ढाला करके आकर के बच्चे लोगों पर नेतागिरी के हिसाब से नहीं आकर के करेंगे। जब आप नेतागिरी क्या कुर्ता पैजामा पहनने से होती है, या फिर नेताओं की तरह मीडिया के कैमरे ले जाकर निरीक्षण करने से ज्यादा निरीक्षण करते हुए दिखाने में होती है? काश इसका जवाब खुद डीएम संजय सिंह दे पाते। वो वहीं रुके नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हुए दोबारा प्रिंसिपल निर्भय कुमार को कुर्ता पहनने के लिए फटकार लगाने लगे। कुर्ता और पजामा में ये थे और गमछा इन्होंने इस पर, ये दिस हैज टू बी गिवन टू मी, ठीक है? आप दीजिएगा ये रिपोर्ट, आई विल सी टू इट कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आपके ऊपर हम, आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जरा सा इतना देखने के बाद ये तो संभव है कि आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे कि क्या कुर्ता पैजामा पहनना गुनाह है या बहुत ज्यादा ही गुनाह है, या जिले के सबसे बड़े अधिकारी का टीचर से सार्वजनिक तौर पर व्यवहार सही है या गलत है। तो देखिए कि हेडमास्टर आपके हमारे सामने कुर्ता और पैजामा पहन करके आराम से नेता की तरह बैठे हुए हैं ना, हम इनके उस पर तत्परता देख रहे हैं कि बच्चे लोगों को कोई पढ़ा रहे हैं। निर्भय कुमार सिंह नाम है, इनका नाम नोट कीजिए और इनको शोकॉज वहां से कीजिए कि इनको क्यों नहीं यहां से हटा दिया जाए, और इनका स्कूल में वेतन इनका बंद कर दीजिए, इनका वेतन बंद कर दीजिए तुरंत वेतन। इसके बाद संजय सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कर प्रिंसिपल निर्भय कुमार सिंह का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। फिलहाल इन सारी बातों में बस इसी बात का जिक्र किया गया कि प्रिंसिपल कुर्ता पैजामा पहनकर क्यों आए। अब सवाल उठता है कि क्या शिक्षक का कुर्ता पैजामा पहनकर आना गलत है? शिक्षक संघ के मुताबिक बिहार में शिक्षकों के लिए कोई भी ड्रेस कोड तय नहीं। क्या शिक्षक की योग्यता पढ़ाई से ज्यादा कुर्ता पैजामा से देखी जाएगी? स्कूलों में संसाधनों की कमी की जिम्मेदारी डीएम लेंगे या कुर्ता पैजामा पहनकर आने की? फिलहाल बिहार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद डीएम साहब भी खूब ट्रोल हो रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद आईएएस आईपीएस डीएम पर भी भड़क रहे हैं, जिसके बाद अब डीएम पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज़।